सासाराम के सदर अस्पताल में एक कोविड मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर भड़के परिजनों ने अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की। अस्पताल में मौजूद ऑक्सीमीटर पल्स रीडर मशीन को भी तोड़ दिया गया। साथ ही कर्मियों और डॉक्टरों के साथ बदसलूकी और मारपीट की गई। ये सब साला करप्ट, साला एकदम करप्ट बनाए हुए हैं। आप लोग का यही बदनाम कर रहा है, काहे नहीं समझ रहे हैं? आप लोग का कुछ गलती नहीं है, यही बदनाम कर दे रहा है। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। अरे क्या करेगा पुलिस प्रशासन, आप तो आए हैं ड्यूटी फॉलो करने। कहाँ ड्यूटी फॉलो कर रहा है? बता दें कि सासाराम के गौरक्षणी के एक मरीज के मौत के बाद परिजन आक्रोशित हो गए। परिजनों का आरोप है कि सभी सामान रहते हुए भी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी इलाज नहीं कर रहे हैं, जिस कारण उनका मरीज मर गया। समस्या यही है कि यहाँ का सारा सिस्टम करप्ट है। 5 तबड़क मारे हैं तब जाके गेट खोला है और सब वहाँ पे सामान रखा हुआ है। एक एक सदस्य से यही कहना चाहेंगे कि सारा चीज अवेलेबल है, सारा चीज अवेलेबल है, यहाँ पे नहीं दिया गया। 3 घंटा से हमको दौड़ा के बोला गया कि पाइप लाइए, बोला गया है कि सिलेंडर लाइए। सिलेंडर यहाँ था, गाली के बाद सिलेंडर मिला है, फिर पैरवी के बाद पाइप मिला है, फिर गाली मारने के बाद डॉक्टर पे 4 रॉड मारे हैं, 4 रॉड मारे हैं, सीसा जा रहे हैं। तो डॉक्टर आया है चेकअप करने, कह रहा है कि चल रहे हैं बाबू। एक ओके मारे हैं तो दरवाजा ताला तोड़वाए हैं, ताला तोड़वाए हैं, सामान सामान पड़ा हुआ है। मादर जो सबका लाइफ ले रहे तुम लोग। वो मरा हुआ पेशेंट लेके आया, स्टाफ लोग चिल्ला दिए, लेने के बाद ऊपर में एक पेशेंट को ले गया। हम लोग जाने से पहले ऊपर से सब सामान पटकना शुरू कर दिया। आप लोग के साथ कोई दिक्कत नहीं ना है? हम लोग भागने की स्थिति में थे। हंगामे की सूचना पर नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश में जुट गई। वहीं परिजनों के हंगामे के बाद डॉक्टर भाग खड़े हुए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रोहतास से रंजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।